I really admire them and appreciate them for their tireless services. And nothing more to say. We'll hear the Honorable Minister now. Thank you very much. And once again, I'll assure that we'll do our best at earliest point of time on behalf of our officers. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर. सहकारिता मंत्रालय द्वारा केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल संबंधित एक वीडियो तैयार किया गया है जो अब आपके समक्ष प्रस्तुत है. सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद से ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अनेक पहल की हैं. इसी क्रम में सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धन राशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को एक आदेश दिया. इसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार CRCS को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया. तदनुसार सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है. पोर्टल के माध्यम से रिफंड की पूरी प्रक्रिया डिजिटल, उपयोगकर्ता की सुविधानुरूप, कुशल और पारदर्शी है, जिसमें आवश्यक जांच और संतुलन शामिल है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि का ही भुगतान किया जाए. इन समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट https://cooperation.gov.in के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर अपने सभी दावे एक ही बार में ऑनलाइन जमा करें और दावे एवं जमा धन राशि के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. आवेदकों के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए. ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन को सहारा समूह की समिति द्वारा 30 दिनों के अंदर सत्यापित किया जाएगा. इसके बाद अगले 15 दिनों के अंदर अर्थात ऑनलाइन दावा भरने के 45 दिनों के अंदर आवेदक को SMS और पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा. सफल दावों के मामले में धन की उपलब्धता के अनुसार भुगतान संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा. केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा. रिफंड प्रक्रिया में सहायता के लिए 4 वरिष्ठ विशेष कार्याधिकारी OSD नियुक्त किए गए हैं. रिफंड की पूरी प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी के पर्यवेक्षण एवं निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल एमिकस क्यूरी की सहायता से की जाएगी. अब मैं आग्रह करना चाहूंगी इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से कि वे रिमोट बटन दबाकर रिफंड पोर्टल का शुभारंभ करें. CRCS रिफंड पोर्टल में आपका स्वागत है. कोई भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और 29 मार्च 2023 से पहले स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में जिनका बकाया देय प्राप्य है अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए 6 आसान चरणों में पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं.
पंजीकरण के लिए आपके पास अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए। पंजीकरण शुरू करने के लिए कृपया रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। पंजीकरण पृष्ठ पर उल्लिखित विवरण सही ढंग से भरें। ओटीपी प्राप्त करें। प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। सत्यापित ओटीपी पर क्लिक करें और एक बार ओटीपी सत्यापित हो जाने पर आप पोर्टल में पंजीकृत हो जाएंगे। पंजीकरण के बाद कृपया लॉगिन के अंतर्गत जमाकर्ता लॉगिन लिंक पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें। दावे को सत्यापित करने और संसाधित करने के लिए आधार में दिए गए अपने व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दें। मैं सहमत हूँ बटन पर क्लिक करके अपनी सहमति देने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आपका आधार विवरण आपको दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आधार सीडिंग की स्थिति और बैंक का नाम जहां आपको अपनी दावा राशि प्राप्त होगी भी आपको दिखाई जाएगी। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र की प्रति सहित सभी विवरणों के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें। सुनिश्चित करें कि आपके दावे पर कार्रवाई करने के लिए आपकी जमा संख्या और अन्य विवरण फोटो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सभी सोसाइटियों में सभी दावा विवरणों को एक एक करके जोड़कर उन सभी जमाओं का विवरण दें जहां आपका बकाया है। यदि सभी सोसाइटियों में कुल रिफंड दावा राशि ₹50,000 और इससे अधिक है तो कृपया अपना पैन नंबर दें। एक बार जमा राशि के सभी विवरण दर्ज हो जाने के बाद सभी सोसाइटी में दावा किए गए डाटा को सत्यापित करें, क्योंकि दावा प्रपत्र जमा होने के बाद आप इसके पश्चात और आगे दावे नहीं जोड़ सकते हैं। सत्यापन के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें, अपनी नवीनतम फोटो चिपकाएं और फोटो के साथ साथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर करें। दावा प्रपत्र अपलोड करें और जमा करें। दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। आपका दावा संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा 30 दिनों में सत्यापित किया जाएगा। फिर ऑडिटर OSD और CRCS प्राधिकृत अधिकारी आपके दावे पर अगले 15 दिनों में कार्यवाही करेंगे। अनुमोदन होने पर रिफंड राशि उपलब्धता के आधार पर सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया FAQ यूजर मैनुअल सेक्शन देखें। धन्यवाद। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से विनम्र आग्रह।